सुपौल सदर अस्पताल में 21 हज यात्रियों को लगाया गया टीका, सभी को दिए गए फिटनेस के सर्टिफिकेट। सुपौल सदर अस्पताल में रविवार को दिन के करीब 10 बजे से हज यात्रियों के लिए टीका कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कुल 21 हज यात्रियों को टीका लगाया गया। साथ ही सभी हज यात्रियों को डॉक्टर सी के प्रसाद के द्वारा फिटनेस सर्टिफिकेट भी प्रदान किया। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित इमाम जामा मस्जिद अकबर कासमी के द्वारा सभी की सेहतमंद रहकर हज पूरा करने की दुआ की। वहीं इस कार्यक्रम में उपस्थित मोहम्मद खुर्शीद आलम, हाशिम सौदागर, मोहम्मद वली आजम, दानिश बकार मोहम्मद, अख्तरुल इस्लाम, आसिफ इकबाल, अहमद हुसैन, पवन चौधरी आदि लोग इसमें मौजूद रहे और हज पर जाने वालों के लिए दुआ की और बधाई दी। सदर अस्पताल में हाजियों के लिए टीका का प्रोग्राम रखा गया, क्या कहेंगे इसको? आज डॉक्टर सी के प्रसाद सर डीआईओ हमारे जो जिला के प्रशासन पदाधिकारी हैं उनकी अध्यक्षता में टीका कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जितने भी हाजी हैं टोटल 21 हाजी हैं जो हज पे जा रहे हैं इस बार, तो उनका टीकाकरण कराया जा रहा है। उसमें हम लोग सम्मिलित हुए हैं, सभी लोगों को गाइड भी किया गया है वली साहब के द्वारा कैसे कैसे हज यात्रा में क्या अरकान है उसको पूरा करना है। मैं मोहम्मद मिन्नतुल्ला, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला शासन समिति सुपौल। के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम रखा गया, क्या कहेंगे? आज सुपौल जिला के 21 हाजियों का टीकाकरण जो है ना करके हम लोग उसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं और उनको जो है ना यहाँ के हज कमेटी के द्वारा ट्रेनिंग भी दे दी गई है और सबों को बता दिया गया है कि कोविड-19 टीकाकरण सबों का हो चुका है। सब अपना सर्टिफिकेट लेकर के जाएंगे और यह टीकाकरण कार्ड हमेशा साथ में रखेंगे और कोशिश यह करेंगे कि आप स्वस्थ और प्रसन्न होकर के यहाँ से जाएं। सबों का मेडिकल जांच कर ली गई है, सभी स्वस्थ और प्रसन्न है। हाँ, डॉक्टर सी के प्रसाद, जिला प्रदर्शन पदाधिकारी सुपौल। जिला ब्यूरो चीफ सहबाज खान, R9 भारत की खास रिपोर्ट।